जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है उज्जवल, उज्जवल टिप्स एंड ट्रिक्स में आपका स्वागत है। तो चलिए इसके बारे में हम डिटेल में जानने वाले हैं और स्टेप बाय स्टेप बताएंगे ताकि आपको कोई भी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप सॉर्ट आउट खुद से कर सकते हो, कहीं जाने का जरूरत नहीं है। तो चलिए हम दोस्तों इसको हम ओपन कर दिए ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो खुद जो है दिक्कत होता है, ठीक है। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, अगर आपका यूनिट नहीं बज रहा है, ठीक है, अगर यूनिट साउंड नहीं दे रहा है तो सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले ये तार चेक करेंगे। देखो दोस्तों इसमें जो है मैंने तार लगाया है खुद से, देखो है ना, ये एंकर का तार लगाया है मैंने, जो इसमें पहले तार था वो ख़राब था, पहले मैंने बदला था तो फिर से रिपेयर के लिए आ गया है। तो इस बार सोचा कि मैंने चलिए इसके बारे में डिटेल वीडियो बना देते हैं ताकि आपको भी कुछ जो है थोड़ा हेल्प मिल जाए। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले क्या किया, तार आपको चेक करना है। तो देखो तार जो है दोस्तों ये एक इसमें डायरेक्ट, ये जो येलो वाला है दोस्तों है ना, पीएफ है ये, एक तार डायरेक्ट इसमें लगा है और एक तार देखो दोस्तों ये रोटरी स्विच है, ये क्या है, रोटरी स्विच है। ये रोटरी स्विच में क्या है दोस्तों, देखो आप यहाँ पे रोटरी स्विच है, इसमें देखो 5 से लेके 40 वाट तक है। ये जो एरो है, ये साइड एरो दिख रहा है आपको, इस साइड एरो जो है, ये साइड जिस तरह से तरफ साइड एरो जाएगा उतना वाट आप इसको मतलब आउटपुट देगा। देखिए जैसे देखिए आपको ये आपको हम इधर कर दिए तो ये इधर 40 का आ गया, तो ये 40 वाट जो है ये आउटपुट देगा, ठीक है। उसके बाद ये 30 है तो 30 वाट पे रहेगा, है ना, ये प्रीसेट है, ठीक। अब प्रीसेट का देखो दोस्तों ये काम कैसे करता है दोस्तों, ये जो ट्रांसफार्मर है ना, ये ट्रांसफार्मर है। तो देखिए दोस्तों इसमें लिखा हुआ है, देखिए आपको सारा चीज़ आपको इसे डिटेल में दिया हुआ है, देखिए है ना, ये आपको देखिए ये ब्राउन है 10 वाट का है, ऑरेंज है ना ओ आर जी है, ऑरेंज 20 वाट में डाला हो गया है। आई मीन देखिए इसका जो है ना सबका तार है, अलग अलग तार है, इधर 4 गो है और इधर दो दो चार, इधर भी 4 गो, ठीक है। तो देखो दोस्तों इधर जो है एक मेन पोल तो मेन वायर आ गया है ना, और देखिए 2 2 4 1 5 5 गो तार इससे आ गया है और एक तार कॉमन है, ये जो तार है ये कॉमन है, ठीक। और 2 गो जो तार ट्रांसफार्मर से आया ये आउटपुट आ गया है जो कि इसमें लगा हुआ है डायफ्राम में। आप देखिए दोस्तों अगर आपका नहीं बजा तो सबसे पहले आपको चेक करना है ना, यहाँ से चेक करना है ये आ रहा है कि कंटिन्यूटी, मगर ये आ रहा है, मगर ऐसे आपको चेक नहीं करना, ये गलत है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, इसको खोल के तब चेक करना है कि ये कंटिन्यूटी इसमें बता रहा है कि नहीं बता रहा है, अगर नहीं बताया तो आपको ये चेंज कर देना है, ठीक है। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा खोल देते हैं फिर चेक करते हैं कि ये बता रहा है क्या नहीं बता रहा है, वैसे तो बता रहा था, अब देखो अब चेक करते हैं। देखिए अब नहीं बता रहा है, इसका मतलब कॉइल ख़राब है, आप कॉइल चेंज कर सकते हो, ठीक है, बट उससे दिक्कत नहीं है, वो क्या ख़राब है नहीं है, मगर इसके बारे में थोड़ा डिटेल आपको हम बता देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाए, कहीं से कोई दिक्कत ना होगा, ठीक है। तो देखो दोस्तों ये दोनों तार, अगर देखो दोस्तों अगर ये कॉइल ख़राब है, ये दोनों तार को आपको चेक करना है ना, ये दोनों तार भी बताना चाहिए, ट्रांसफार्मर है तो बताएगा, ये तार हो गया और इसका ये तार हो गया है ना, ये तार हो गया और ये तार हो गया है ना। तो देखिए बता दिया, इसका मतलब बैंडिंग इसके अंदर में सही है, इसका जो कनेक्शन है ये सही है। बाय द वे अगर ख़राब नहीं बता रहा है तो ये दोनों में पोल लगा हुआ है दोस्तों, ये देखो है ना, ये दोनों लगा हुआ है, ये दोनों में चेक करना। बाय द वे होता क्या है, कभी कभी इसका तार जो है अंदर से लीकेज कर जाता है, ये जो तार लपेटा गया है यहाँ सोल्डिंग होके बाहर आया है ना, तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम आता है, तो आपका जो है प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप देख लेना थोड़ा सा, मैंने हिंट्स दे दिया है मैंने, ठीक है। अब क्या करना है दोस्तों, देखो दोस्तों अब क्या है दोस्तों, ये भी ट्रांसफार्मर भी सही है, ठीक, फिर भी आपका कॉइल भी सही है, फिर भी आपका नहीं बज रहा है, तो क्या होता है दोस्तों, कभी कभी प्रीसेट भी छोड़ देता है। तो प्रीसेट क्या छोड़ता है दोस्तों, देखो जैसे आपको 40 वाट लेना है ना, जैसे ये इधर 30 वाट में रखा गया है ना, ये 30 वाट है ना, 30 वाट में रखा हुआ है, तो आपको ये चेक करना है कि प्रीसेट आपका ये जो रोटरी स्विच है ये तो कहीं ख़राब नहीं है। तो 30 वाट जो लिखा हुआ है देखो दोस्तों 30 वाट है ना, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, वायलेट है ना, वायलेट क्या है, 30 वाट है, 30 वाट मतलब आउटपुट देगा, ठीक है। तो वायलेट ये है, ये तार है, तो वायलेट ये तार है ना, तो ये तार से क्या करना है, मेन पोल से ये तार आपको चेक करना है कि ये आपको कंटिन्यूटी आ रहा है कि नहीं। चलो इसमें एक इसमें रख दिया मैंने और एक इसमें चेक करते हैं, देखिए लाइट जल रहा है, इसका मतलब है स्विच भी इसका रोटरी स्विच आपका ये काम कर रहा है। अब मान लीजिए अगर 40 वाट लेना है हमको, तो 40 वाट में क्या करना है, इस साइड रखना है ना, इस साइड रखना, रखें इस साइड है ना, 40 वाट में रखें। अब क्या करना है, 40 वाट कौन सा है,
देखो रेड है तो देखो ये एक तार मेन पोल में सटाना है और एक रेड कौन सा है, ये तो ये फर्स्ट नंबर है ना, तो ये आपको इसमें सटाना, देखिए इसमें भी आ रहा है ना, तो इसका मतलब रोटी स्विच भी आपका प्रॉपर काम कर रहा है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर बाय द वे अगर काम नहीं कर रहा है, करता आपको 40 वाट में सटाना मतलब रखना है, तो ये दोनों तार को, ये दोनों तार को अगर ये 40 वाट का ये तार है माना कि, ठीक है ये 40 वाट का तार है ना, आपको यहाँ देख लेना है, बस दोनों को क्या करना है टच कर देना है, या छील के आपको तार मार देना है या ज्वाइंट कर देना है, तो वो 40 वाट में वो फिक्स हो जाएगा, ठीक है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका काम जो है तत्काल में आपका काम ये कट जाएगा। अब देखो दोस्तों एक बात याद रखना, आप खोलने से पहले जब आप डायफ्राम खोलते हो दोनों तार, तो आप ज़रूर ध्यान रखना यहाँ L1 L2 लिखा हुआ रहता है, यहाँ देखो ये L1 ये L2 लिखा हुआ है, तो L1 होता है प्लस और L2 होता है माइनस, ठीक है। ये तार देखो दोस्तों, ये प्लस जो है ये इसमें लगेगा और माइनस L2 में लगेगा, ये आप ध्यान रखना। और दोस्तों इसका कॉइल जो है कैसे, ये कॉइल कभी ख़राब जल्दी नहीं होता दोस्तों, इतना जान लो, रियर केस में ख़राब होता है, रियर केस में। और चार ये कॉइल को कैसे रिपेयर करें, बस मिनटों में, कोई दिक्कत नहीं होता, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होता होता है दोस्तों, वो रिपेयर कैसे करें कॉइल को, आप जो है वीडियो बनाया गया है, सेपरेट वीडियो बनाया गया है, आप जाके उसको विजिट कर सकते हो। और डेफिनेटली दोस्तों आप जो है कॉइल नहीं चेंज करोगे, क्योंकि दोस्तों ओरिजिनल कॉइल तो जल्दी मिलता नहीं है दोस्तों, और उस समय ज़्यादा प्रॉब्लम होता नहीं है, लोग जानकारी के अभाव में लोग फेंक देते हैं, तो आई थिंक इसमें तो प्रॉब्लम है दोस्तों कि कॉइल ख़राब है, आपको चेक करके बता ही चुके हैं, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना।